टूट गया, उतर जाओ भाई उतर जाओ, हट जाओ वहाँ से, हटो हटो आती भी, उतरो नीचे। बारिश भी शुरू हो गई है, बहुत तेज तेज धूल पड़ रही है, हवा भी काफी तेज है दोस्तों, बारिश हो रही है। हेलो दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं बकरों के लिए पत्ती लेने। ये खड़े हुए हैं बकरे मेरे, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है आज। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, और होगी बारिश। तो हो सकता है वहाँ पर ट्यूबवेल में हम लोग नहाए भी, इसलिए हम लोगों ने डीजल ले लिया इंजन चालू करने के लिए। अब वहाँ पहुँचते हैं। ये हम लोग अपने गांव के रोड में एंटर हो रहे हैं। और मौसम बहुत ही बढ़िया है, मौसम की वजह से और ज़्यादा ही मज़ा आएगी। बादल में पानी बहुत है, ये भी हो सकता है कि बारिश हो जाए। अगर ऐसे में बारिश हो जाए तो वाह, सोने पे सुहागा। ये देखिए वो जो सामने वो पेड़ दिख रहा है, वहाँ जाना है हम लोगों को। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और हवा बहुत तेज चल रही है। और देखिए आपको दिखाएं, जामुन का पेड़ लगा हुआ है और जामुन भी इसमें बहुत लगी हुई है। जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, वो देखिए दिख रही होंगी पूरे में लगी हुई है जामुन, और काफी ऊपर है, कोशिश करेंगे इनको तोड़ने की। तूफान आ गया है बहुत भयानक, यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है। पेड़ ना टूट गया, उतर जाओ भाई उतर जाओ, हट जाओ वहां से, हटो हटो आती भी, उतरो नीचे। तूफान बहुत तेज का आया हुआ था, इस टाइम पे भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पेड़ टूट सकता था। भाई ये भाई है मेरे, चढ़े हुए थे ऊपर इसके पेड़ के, और डाल टूट सकती थी वहां से, कोई तरह से कूद फान के वहां से भाग आए हैं। खैर अब थोड़ी सी हवा कम हुई है, बहुत ज्यादा तेज हो गई थी हवा। चाबी आ चुकी है, ये इंजन लगा हुआ है, ये जामुन देखिए पड़ी हुई है, आंधी चली है उसमें जामुन गिरी है। वजह से काफी नुकसान हुआ, जामुन भी कच्ची भी टूट गई, कुछ डालें भी टूट गई। आपको डाल जूम करके दिखाते हैं टूटी हुई, वो देखिए। बारिश भी शुरू हो गई है, बहुत तेज तेज धूल पड़ रही है, हवा भी काफी तेज है, पानी बहुत ठंडा पानी है बहुत ज्यादा। बारिश हो रही है, डाल टूट गई है, लेकिन जिससे एक ये फायदा हो गया कि बकरों के लिए पत्ती मिल गई। जामुन देखिए इसमें कितनी कच्ची लगी है। दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही है और हम लोग भी बारिश में नहा रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये अफलान खड़े हुए हैं, डर रहे हैं अफलान, यहाँ पर ये आलू नहा रहे हैं, मजा ले रहे हैं आलू। सर्दी भी लग रही है। उसके बाद ट्यूबवेल के अंदर जाके हम लोगों ने नहाया, बहुत ज़्यादा खूब इंजॉय किया, बहुत देर तक नहाया। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन बारिश वाला पानी उससे ज़्यादा ठंडे होने की वजह से ये पानी नॉर्मल लग रहा था। हम लोगों ने नहा भी लिया है दिल भर के, और जामुन भी खा लिया है, जामुन तोड़ भी लिया है, जामुन की पत्ती बकरियों के लिए भी तोड़ लिया है। और अभी तक इंजन चल रहा है, इंजन को बंद करवा के अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन मेन चीज़ थोड़ी सी ये हो गई दिक्कत वाली, वो खड़ी हुई है स्कूटी, और इसको यहाँ से अभी निकाल के लेके जाना है वहाँ रोड तक, और पूरा बारिश की वजह से पूरा गीला हो गया, इसको कैसे निकालेंगे समझ में नहीं आ रहा है, फंस जाएगी हमको तो लग रहा है। कोशिश करेंगे, निकालना तो आई है, जाना तो आई है। खैर देखिए अहल थरथरा रहे हैं, अहल को सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से थरथरा रहे हैं अहल। उसके बाद जब स्कूटी स्टार्ट किया, थोड़ा सा एक्सीलेटर लेना ही चालू किया था कि पहिया ज़मीन में धंसने लगा। उसके बाद बहुत ताकत लगा दी है, बहुत ज़्यादा जो है ना कोशिश कर लिया, नहीं हो पा रही थी, पीछे नहीं हो रही थी, आगे चली गई। तो फिर ये भाई है, इन्होंने फिर खींचा स्कूटी और बहुत हेल्प भी किया स्कूटी को निकलवाने में। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पास हमने स्कूटी थोड़ी आगे बढ़ाया, लेकिन पहिया जो है जिस जगह पर रुक जा रहा था उस जगह पर नाचने लग रहा था। थोड़ी दूर तो हम पैदल खींच चले गए, उसके बाद फिर खैर पहिया बहुत स्लिप करते हुए फिर लेके निकल गए हम कोई तरह से स्कूटी को बाहर।
पहिया कीचड़ में इतना ज़्यादा धंसा जा रहा था कि इतनी ज़्यादा छींटे पीछे उड़ रहे थे कि लोग पीछे से हट गए थे। उसके बाद जब हम रोड पर पहुंच गए तो वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे हमने किला फतेह कर लिया। हम लोग आ गए पट्टी के लिए, बकरों के लिए, बकरों को देंगे पट्टी। ये वही जामुन है जो हम खेत से तोड़ कर लाए थे। वहाँ से आने के बाद यूसुफ भाई ने हम लोगों को दावत दिया और वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से गए मेरे घर के पास में ही, वहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, नाइट टूर्नामेंट, और बहुत बढ़िया मैच होता है और बहुत देर तक, रात तक होता है, वो 2 बज जाए 1:30 बज जाए लगभग इतने टाइम तक होता है। वहाँ से आने में हमको बहुत ज़्यादा देर हो गई थी दोस्तों। इस वक्त रात का 2 बज रहा है और टाइम काफ़ी हो गया है, नींद भी बहुत तेज़ लगी हुई है। और इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।